नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम स्पेशली हैप्पी दशहरा तो बोलते ही है, पर हम बंगालीज ना अब एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं शुभ विजया दशमी, शुभ विजयार प्रीति ও শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আপনাদের সকলকে আমি জানাই আমার তরফ থেকে শুভ বিজয়ার ভালোবাসা। সো আই হোপ আপ লোগোনে ই ফেস্টিভ্যালকে যে পাঁচ ছ দিন ইয়া নবরাত্রি যে লোক কর রে থে তো নয় দিন বহুত আচ্ছা সে বিতায়। মানে ভি ডেফিনেটলি লাস্ট ইয়ার সে তো আচ্ছাই থা, পর नॉर्मल जो होता है उससे तो काफ़ी कम था। बहुत रेस्ट्रिक्शन था, बहुत छोटा स्केल में सब कुछ करना पड़ा। फिर भी एंजॉय तो किया, पर बहुत थक गई। मतलब अभी भी मेरा थकान उतरा नहीं है। एंड मैंने जो आप लोगों को दिखाया था ना, मेरे साड़ी सब पेट पे ऐसे पड़ा है, तो अभी भी ऐसे ही है। मैं अभी तक वो प्रॉपरली अरेंज करके रख नहीं पाई। एंड मैं आशा करती हूँ कि मैं जितना आप लोगों को दिखाई, मेरे तरफ से जितना हो सके आप लोगों को अच्छा लगा। कि एक आइडिया तो दुर्गा पूजा का किस तरह से होता है, किस तरह से हम करते हैं। डेफिनेटली बहुत बार बार मैं बोल रही हूँ छोटा स्केल में, पर जितना हो सके। हो सकता है कुछ मिस भी हो गया, क्योंकि तैयार होना, रिकॉर्डिंग करना, आई एम नॉट यूज टू ना। मैंने नया नया शुरू किया तो रिकॉर्डिंग भी किया, फिर तैयार भी हुआ, फिर पूजा के काम में भी पार्टिसिपेट किया। पर मैंने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत एक पिक्चर आप सबके सामने मैं लेके आऊँ। और मैंने खुद एक्चुअली सारे वीडियोस ठीक से नहीं देख पाई, तो अभी बैठ के मैंने सब देखा। तो मैं सोची कि पर्सनली मैं आप लोगों को एक बार विश कर दूँ, क्योंकि वीडियो के हिसाब से तो पूजा वो सब मैं दिखाई, पर मैं ऐसे आप लोगों को आके दशहरा विश नहीं किया था। तो मैं सोचा वो भी एक बार कर दूँ। एंड मैं ना ये सोच रही थी, नॉर्मली मैं दुर्गा पूजा में 10 नया साड़ी पहनती हूँ एवरी ईयर, ऑलमोस्ट 10 न्यू साड़ीज। पर इस बार उसमें भी गड़बड़ हुआ। एक तो क्या हुआ था, बारिश हो रहा था शुरू के एक दो दिन, एंड फिर ना साड़ी फॉल पिको के लिए मैंने कर दिया था दुकान में। ब्लाउज तो आ गया था बनके, पर साड़ी उन लोगों ने नहीं दे पाए। फिर एक दिन स्ट्राइक हो गया, तो फर्स्ट डे जो हमारा फर्स्ट डे है, एक्चुअली फिफ्थ डे, पंचमी जिसे कहते हैं, उस दिन जो साड़ी मैं पहनी थी ना, वो एक पुराना साड़ी मैंने पहनी थी, पर वो सिल्क की साड़ी है। और उस दिन देवी का वरण होता है, मैंने आप लोगों को दिखाई। तो मेरे पास पुराना सॉरी नया दूसरा साड़ी भी था, पर एक ना प्लानिंग होता है कि आप इस दिन ये साड़ी पहनोगे, तो साड़ी नहीं आया, मैं थोड़ा सा दुखी हो गई। और वो जो होता है ना रिचुअल्स, उसके लिए आप कोई भी ब्लैक ब्लैक पहन लो तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैंने डेफिनेटली वो भी सिर्फ साड़ी था, एंड मुझे लगता है कि वो उस रिचुअल के लिए एकदम अप्रोप्रिएट साड़ी था। तो चलिए मैं भी एक बार देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आशा है कि वो साड़ी में वो रिचुअल बहुत अच्छा लग रहा था। डे जो एक्चुअली हमारा सेकेंड डे था, षष्ठी, उस दिन ना क्या हुआ था, बहुत बारिश हो रहा था। और मैं गरबा में भी गई थी, आरती में, एक्चुअली डंडिया तो नहीं हुआ था पर आरती में गई थी। फिर हमारे दुर्गा पूजा ग्राउंड में भी गई थी। एंड उस दिन मैंने बाद में देखा, क्योंकि मुझे भी देखना था कंप्लीट लुक मेरा कि मैं कैसे लग रही थी, पर मेरे पास ना उस दिन का एक फुल पूरा फोटो या वीडियो कुछ नहीं है मेरे पास। तो मुझे भी मतलब ऐसे लग रहा था कि काश एक पूरा फोटो ही ले लेती या थोड़ा सा वीडियो। मतलब ब्लॉग बनाने में जितना थोड़ा थोड़ा आया उतना तो है, पर एकदम पूरा लुक मेरे पास है नहीं, तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और उससे भी बड़ी बात है, मुझे खुद को ही बहुत दुख हो रहा है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे लग रही थी उस दिन।
सेवेंथ डे सप्तमी जो हमारा एक्चुअली थर्ड डे था, उस दिन ना मैं सुबह भी गई थी, जिस दिन मैं भोग वोग बना रही थी आप लोगों को दिखाई, एंड शाम को भी मैं गई थी। तो मैं सुबह का शायद फुल मेरे पास भी फोटो या वीडियो नहीं है, पर शाम का है। तो शाम को ना मैं भी एक बार देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे लग रही थी। अच्छा, एट्थ और नाइन्थ डे, अष्टमी एंड नवमी मॉर्निंग मैं पंडाल में नहीं गई, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितने कम भीड़ हो, एंट्री का रेस्ट्रिक्शन भी था और हम मेंबर्स ही अगर नहीं मानेंगे तो दूसरों को हम कैसे बोलेंगे। तो क्योंकि मेरा कोई ड्यूटी नहीं था तो मैं घर से बैठ के ही पुष्पांजलि दिया, वो भी मैं आप लोगों को बताई थी ब्लॉग में। तो दो दिन मैं सुबह नहीं गई, पर दो दिन शाम को मैं तैयार होके पंडाल में पहुंची थी, वो मैं दिखाऊंगी। पर उसके पहले मैं बोलूं, मैं ये दो दिन जो साड़ी पहनी थी ना, अष्टमी की साड़ी या नवमी की साड़ी, दोनों साड़ी ना मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट किए। मतलब अष्टमी वाला साड़ी जो था गोल्डन कलर का, वो स्टूडेंट पूजा के टाइम बॉम्बे में नहीं थी, वो बेंगलोर में थी, एंड मतलब अभी भी है, बेंगलोर में है अभी। एंड जो नवमी वाला जो ग्रीनिश साड़ी था, वो स्टूडेंट मेरे कनाडा में रहती है। तो मैं नॉर्मली जो भी बच्चे मुझे गिफ्ट करते हैं, बच्चे मतलब दे आर नॉट एक्चुअली छोटे बच्चे, पर मेरे स्टूडेंट्स को मैं इस तरह से एड्रेस करती हूँ, ये नेचुरली आता है मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब मेरे बच्चे ही हैं। तो जो बच्चे मुझे ऐसे गिफ्ट करते हैं ना, मैं नॉर्मली आइदर साड़ी और वीडियो ऐसे उन लोगों को भेजती हूँ, और अगर सामने रहे तो साथ में दिखते हैं बच्चे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई प्यार से मुझे कुछ दे और मैं वो अगर पहन के दिखाऊँ ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं देखूँगी दो दिन का साड़ी वीडियो फोटो जो भी है, मैं अभी देखती हूँ क्या है, मैं उनको भी भेजूँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी देखूँगी। तो पहले हम देखेंगे अष्टमी वाला जो चंडी पूजा जिसे हम कहते हैं, उस टाइम का जो मेरा अटायर था, मैं जिस तरह से तैयार हुई थी, पहले वो शेयर करते हैं। अच्छा, नवमी में मैं अभी दिखाती हूँ मैं कौन सा साड़ी पहनी थी, कैसे वीडियो क्या था। पर उस दिन ना आपको याद होगा मैंने एक को दिखा के मैंने पूछा था कि अगर आप लोग जानते हो ये कौन है मेरे साथ, मैंने एक सरप्राइज और क्विज टाइप रखा था। और जैसे मैंने कहा ऐसे ही हुआ, यंगस्टर्स जो आज के जनरेशन है उसी में से बच्चे लोगों का आंसर आया, विच इज़ करेक्ट, मतलब सही आंसर दिया बच्चों ने, और बड़े लोगों ने तो किसी ने आंसर किया ही नहीं। पर मैं अभी बता देती हूँ कि वो है एश किंग, वो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर है, एंड वो एक्चुअली इज बंगाली, आशुतोष गांगुली, एंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड ना म्यूजिकल बैकग्राउंड है उसका फैमिली का भी, एंड वो किशोर कुमार की फैमिली से भी रिलेटेड है, एंड मे बी फैमिली बैकग्राउंड उसके फादर ग्रैंडफादर सब म्यूजिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए थे, तो मे बी मतलब इट्स ऑब्वियस कि ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। एंड उससे भी बड़ी बात है ना कि वो नेचर उसका बहुत अच्छा है, सो स्वीट, जिस तरह से वो आए हमारे पंडाल में, जिस तरह से हम सबसे मिले, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, क्योंकि आजकल के जनरेशन के बच्चों को तो हम जानते हैं थोड़ा सा अलग माहौल में आजकल के बच्चे बड़े होते हैं, बट ही इज़ वेरी स्वीट। तो चलिए उसका भी थोड़ा सा क्लिपिंग दिखाती हूँ, उसका नाम आज, साथ में मेरा भी साड़ी का एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाती हूँ। ऑब्वियसली मुंबई में इतना पूजा नहीं होता है जैसे वेस्ट बंगाल में, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आने में, और वेरी नाइस डेकोरेशन, वी हैव सम वेरी सीनियर पंडित जी सिटिंग ऑन स्टेज, एंड वी हैव सम ग्रेट पीपल लाइक योरसेल्फ।
बहुत अच्छा लग रहा है कि आए हो। जब हम फुल फ्लेजेड फिर से करेंगे ना, बैक टू नॉर्मल, फिर आऊंगा ब्रेक के बाद। अच्छा, दशहरा के दिन ना बहुत दिल खुश होने वाला कुछ काम हुआ, मैं बताती हूँ। एक तो ना एकदम पंडाल में हमें देखने को मिला छोटा छोटा बिल्ली के बच्चे, किटेंस, एकदम छोटा छोटा साइज, मतलब ऐसे लग रहा था कोई गलती से अगर पैर रख दे तो उनको बस उधर ही ख़त्म, ऐसे था। तो बहुत टेंशन में थे, मैं नहीं और भी कुछ लोग, मतलब मैं अकेली नहीं, कुछ लोग हम बहुत टेंशन में थे कि अरे इनका क्या किया जाए। तो उसमें से तीन बच्चा था, एक किसी ने अडॉप्ट किया और दो बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे। तो अल्टीमेटली दशहरा के दिन हम एक शेल्टर पे भेजे वो दो बच्चे को, हम कुछ मेंबर्स कंट्रीब्यूट करके जो भी खर्चा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना अच्छा लग रहा है ना, वहाँ से फ़ोटो भेजा उन लोगों ने, वो भी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। और एक और दशहरा के दिन ना मैं शबनम को दिखाई आप लोगों को ब्लॉग में। शबनम शी इज़ अ मुस्लिम लेडी जो दुर्गा पूजा में मतलब इतना भक्ति और श्रद्धा के साथ आती है, हमसे कोई किसी चीज़ में कम नहीं वो भक्ति करती है या श्रद्धा करती है माँ दुर्गा को। एंड मैंने ऐसे सुना तो है, देखा भी है, जैसे अमरनाथ में मैं हिमालयन ट्रैकिंग मैंने बहुत किया, तो अमरनाथ में ना जो गुहा है जहाँ हम जाते हैं देखने, वो गुहा एक्चुअली एक मुस्लिम नहीं ढूंढ के वो गुहा, मतलब उन्होंने आविष्कार किया था वो। एंड अभी भी वो रिचुअल्स है कि सबसे पहले एक मुस्लिम एंटर करते गुफा में, फिर बाकी लोग जाने जाते हैं देखने। ये सब ठीक है, पर एक लेडी मुस्लिम जो बिंदी सिंदूर लगा के माँ के पंडाल में आई और इस तरह से बात कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। आप लोगों भी अगर ध्यान से उनकी बात सुने होंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दशहरा जैसे एक अच्छे दिन में ना ये दो चीज़ इतना अच्छा हुआ जो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सो चलिए मैं दिखाती हूँ, कैटिन्स को भी दिखाती हूँ एक बार, शबनम को भी एक बार दिखाती हूँ, और मैं कैसे लग रही थी वो भी दिखाती। I consider this that this is the only time frame, particularly 9 days in India, where we respect female. We respect her. We respect her individuality. We respect her as a female. So I don't consider this as a religion or an idol worship. I consider this. This is the only phase of time in India, particularly in 9 days, particularly. We respect a female, an idol who has a strong power. You know, who gives all of us, our female, a push, and of course a male community as well. And I hope that post this 9 days as well, we Asians, particularly Indians, respect female.
अच्छा, उम्मीद है जो मैं आज आप लोगों से शेयर किया आप लोगों को अच्छा लगा। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से अपना ब्लॉग प्रेजेंट करूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे, आप लोग थोड़ा इन्जॉय भी करें। मैं कोशिश तो करती हूँ, अब कितना कर पाती हूँ वो तो आप लोग ही बता सकते हो मुझे। एंड डेफिनेटली इसके बाद हमारा लक्ष्मी पूजन होगा, कोजागरी लक्ष्मी पूजन पूनम के रात, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। हाँ डेफिनेटली बहुत छोटा सा होगा तो मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जो आज मैं दिखाई, अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे मे बी रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप चाहते हो तो इसके पहले जो 5-6 वीडियो है, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 6 वीडियोस है, तो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप एक बार देख लीजिए तो शायद इसके साथ आप रिलेट कर पाओगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो माय चैनल शेयर सब लाइक विद मौली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना, आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, नमस्कार।